डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ मैथ पेज नंबर 32 पे सम दिया गया है 11th, जो कि डिवीजन का है, उसको सॉल्व करेंगे। 11th सम है डिवाइड, इसका ए पार्ट स्टूडेंट्स 32,967 को 24 से डिवाइड करना है, तो इस पे से लिखेंगे। अब इसका इजी वे है कि 24 से डिवाइड करना है, तो पहले 24 की टेबल लिख लो, ये 24 की टेबल हो गई स्टूडेंट्स। अब 24 से इसको डिवाइड, 24 में कितना डिजिट है, 2, तो इसके भी 2 डिजिट। अब देखो 24 की टेबल हमने कहां तक लेनी है, 32 तक। अब देखो 1 जा पे लेते हैं तो 24, 2 जा पे लेते हैं तो 14, तो ये ज्यादा हो गया, इसलिए 1 जा पे जाएगा। कितना बच गया, 12 में से 4 गया 8, याद रखें 2 में से 2 है 0, लिखना जरूरी नहीं है। अब ये उत्तर है 9। अब देखो इसमें 89 है कहीं, देखो 89 कहाँ मिलेगा, 72 और 96 के बीच में, तो 96 तो इसके नीचे लिख नहीं सकते, 72 लिखना पड़ेगा। देखो कहाँ है, 1 2 3 3 जा रहे हैं, 9 में से 2 सबट्रैक्ट किया 7, 8 में से 7 1 उतारा 6। अब देखो इसमें 176 का मिलेगा, 168 और 192 के लिए, तो ये तो ग्रेटर हो गए तो लिख नहीं सकते, ये लिखेंगे। तो देखो ये कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जा पे, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 8, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, उतारा 8। अब 87 देखो कहाँ मिलेगा, 72 और 96 के बीच में, तो ये रेट्रो के लिख नहीं सकते, ये लिखेंगे तो ये कितना हो गया, 1 2 3 3 जा गया, 7 में से 2 सबट्रैक्ट किया 5, 8 में से 7 गया 1। तो स्टूडेंट्स ये तो आ गया इसका कोशेंट, और ये आ गया रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड और ये होता है डिवाइडर। तो यह आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट स्टूडेंट्स 2,25,216 डिवाइड कितने से करना है, 144 से, तो इसको ऐसे लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 144। तो ये इजी वे क्या है कि 144 के टेबल से कैसे लिखते हैं, इसमें 144 ऐड करते चलो, इसमें 144 ऐड करोगे ना तो अगला स्टेप आ जाएगा, 4 में ऐड किया 2, या फिर क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जैसे दो तरीके हैं, 2 जा पे किया था, अब 144 को 3 जा पे करना है, 3 4 जा 12 में 1 ऐड किया 13 और 3 ये हो गया 432। अगला स्टेप निकालना है तो दो तरीके हैं, इसमें 144 ऐड कर दो, 6 7, अगला स्टेप निकालना है 144 ऐड करो, 0 12 7। अब अगला स्टेप निकालना है 144 ऐड कर दे, 4 6 8 8 64 आ गया, फिर 144 ऐड करो, 8 6 में 4 ऐड किया 10
9 by 1 8 किया 10 11 4 के 4 8 करो 8 में 4 8 किया 12 5 2 1 फिर 1 4 के 4 8 करो 6 9 3 1 फिर 1 4 के 4 8 करो 6 में 4 8 किया 10 1 10 4 4 और 4 नहीं सॉरी 5 का है गलत हुआ है यहाँ गलत हो गया ये 1 आना था तो ये 2 आना था अब यहाँ 2 हो गया तो यहाँ गया 4 ये 10 ज़्यादा लगते हैं और ऑपरेशन में चलते हैं तो अब देखो 144 में कितने डिजिट हैं 3 तो इसके भी 3 डिजिट देखो 144 के लिए हमें 225 फाइंड आउट इन दोनों के बीच में आएगा तो ये तो ग्रेट और गलिक नहीं सकते तो इट मींस बन जाते हैं 5 में से 4 माइनस किया 1 12 में से 4 माइनस किया 8 नेक्स्ट डिजिट का आया 2 अब 812 देखो स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में आएगा तो ये ग्रेट और गलिक का नहीं जाएगा ये लिखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 5 जाओ फाइव गया 720 2 और इधर से कह लिए 11 11 में से 2 सेपरेट किया 9 उतर गया नहीं अब देखो 921 देखो इन दोनों के बीच में आएगा तो ये स्मॉल है तो ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 जब गया 864 11 में से 4 गया 7, 11 में से 6 गया, 5, यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 गया 0, उतर आया 6, अब देखो ये पूरा जाएगा इसमें 4, 4, तो रिमाइंडर इसमें कुछ भी नहीं बचा, ये आपका सम कंप्लीट हो गया, बी पार्ट स्टूडेंट्स 19 से करना है वो आप अपने आप करोगे सिपार्ट डू योर सेल्फ अपने आप करो डी पार्ट 6,25,794 डिवाइड कितने से करना है 125 से इजीली 125 की टेबल लिखो 250 इसमें फिर ऐड करो फिर इसमें ऐड करो 500 फिर 125 ऐड करोगे फिर 125 ऐड करोगे फिर 125 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 578 फिर 125 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 1000 फिर करो उसके बाद फिर करो उसके बाद फिर करो उसके बाद फिर करो तो ये टेबल मैंने आपको लिखनी सिखाई थी ऐसे ही लिखनी है अब देखो इसमें 3 डिजिट है तो 3 इसके दो 625 दिख रहा है कुछ आपको देखो ये दिखाई दे रहा तो ये कहाँ पे है 1 2 3 4 5 फाइव जा पे किया 625 अब इसमें से माइनस तो अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो अगला डिजिट उतारा माइनस 7 से ऊपर से डिजिट उतारते टेबल लेनी है
नहीं ली जाए तो फिर इसके अलावा का यह जीरो पर 25 के टेबल में देखो 7 आएगा ही आएगा ही तो क्या यहां जीरो चला फिर अगला डिजिट बताऊंगा 9 अब देखो 79 भी 125 के टेबल में आता ही नहीं ऊपर से डिजिट उतार रहा है तो टेबल तो लेनी पड़ेगी नहीं जाती तो यहां जीरो चलानी पड़ेगी फिर उतारोगे अगला डिजिट अब 794 देखो कहीं है इसके और इसके बीच में तो ये तो ग्रेटर हो गया लिख नहीं सकते ये लिखेंगे तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 6 जा पे 6 जा पे गया 750 ये 4 9 में से 5 गया 4 तो ये आपका सम कंप्लीट हो गया डी पार्ट तब मैं आपको करवाता हूं ई पार्ट ए पार्ट स्टूडेंट्स ₹86,89,728 डिवाइड कितने से करना है 287 से तो क्या करें 287 लिखे हैं इनको 287 हो गया अब 2 जाता होगा तो कैसे रहेगा इसके अंदर 287 ऐड करता हूं 7 में 7 ऐड किया 4 1 बचा 9 में 8 ऐड किया 17 फिर 1 बच गया 3 में 2 ऐड किया 5 तो 5 74 हो गया फिर इसमें 287 ऐड करते जाओ 4 में 7 ऐड किया 11 8 में 8 ऐड किया 16 6 में 2 ऐड किया 8 861 फिर 287 ऐड करो 8 6 में 8 ऐड किया 14 9 में 2 ऐड किया 11 फिर 287 ऐड करो 8 में 7 ऐड किया 15 5 में 8 ऐड किया 13 2 में 2 ऐड किया 4 और 1 फिर 287 ऐड करो 5 में 7 ऐड किया 12 4 में 8 ऐड किया 12 5 में 2 ऐड किया 7 1 फिर 287 ऐड करो 9 2 में 7 ऐड किया 9 2 में 8 ऐड किया 10 10 की 0 7 में 1 ऐड किया 8 8 में 2 ऐड किया 10 और ये 2 फिर इसमें 27 ऐड करो 9 में 7 ऐड किया 16 1 1 में 8 ऐड किया 9 2 2 फिर 27 ऐड करो 13 10 में 8 ऐड किया 18 3 में 2 ऐड किया 5 और ये 3 फिर 27 ऐड करो 0 और फिर 9 में 8 ऐड किया 7 6 में 2 ऐड किया 8 और 2 ये 10 ज्यादा हो गई टेबल को छोटे से पता लग गया 287 के पीछे 0 आ गई तो ये भी से 10 ज्यादा हो गया तो यहीं तक के टेबल लिखने इससे आगे की नहीं लिखनी तो अब देखो इसमें 3 डिजिट है 3 डिजिट इसके लिए 287 कि टेबल कहां तक ले जिसमें 868 आ गया देखो 868 कहां आएगा इसके और इसके बीच बिटवीन आएगा तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा तो ये लिखेंगे ये कितना हो गया 861 8 में 7 माइनस किया 7
और 6 में से 6 से 0 बचेगा या 0 बचेगा, कोई जरूरी नहीं करना अगला डिजिट उतार नहीं। अब देखो 287 की टेबल में 79 आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो 0 होगा। अब अगला डिजिट उतार 7। अब 797 देखो कहां आएगा, इन दोनों के बीच में, तो ये ब्रेक हो गए, ये लिख नहीं सकते, ये लिखेंगे तो टेबल भी 2 जाते 574। 7 में से 4 सबट्रैक्ट किया 3, 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, और अगला डिजिट आया 2। देखो 2232 कहां आएगा, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 जा है, 7 जा 2009। 12 में से 9 गया 3, यहां बच गए 2, ये 2। अब उतर है 2238, देखो कहां मिलेगा, वो भी इन दोनों के बीच में मिलेगा, तो इट मींस फिर से हो जाना चाहिए टेबल, और क्या लिखोगे 2009। 18 में से 9 गया 9, यहां रह गए 2, यहां रह गए 2, और कुछ उतारने के लिए बचा नहीं, तो हमारा समय कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, और ई पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हमें एफ पार्ट, और एफ पार्ट बच्चों आपने अपने आप करना है, एफ पार्ट डू योरसेल्फ, खुद करना है।